टू माई चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और झटपट मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी दे रही हूँ, और उसके लिए हमें मैंने एक कप मैंगो लिया है, एक कप कंडेंस मिल्क लिया है और 2 कप जो है वो मैंने फ्रेश क्रीम ली है। और सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं इस क्रीम को अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है, अब मैं इसमें 1 कप मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। मैंने 3 मैंगो लेके उनको क्यूब्स में काट लिया था और मैंने उसको ब्लेंडर में उसका पेस्ट बना लिया है, ये प्यूरी बना ली है मैंने। ये 1 कप मैंगो प्यूरी है और 1 कप कंडेंस मिल्क, ये मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये मैंने क्रीम जो है वो मैंने बीट कर ली है। अब मैं एक अलग बर्तन में मैंगो प्यूरी और कंडेंस मिल्क को बीट कर लूँगी, यानी इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये जो मैंने अभी बीट किया है प्यूरी को और कंडेंस मिल्क को, अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ जो मैंने क्रीम बीट की थी, और इसको मैं हल्के हल्का मैं इसको मिक्स करूँगी विस्क से। ये देखिए, इसको मैं हल्के हल्के मिक्स करूंगी विस्क से। ये देखिए, ये कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको बाउल में डाल देती हूँ। अब मैं इसको इसमें पोर कर रही हूँ। अब मैं इसे स्पैचुला से, ये देखें, मैं इसको बिल्कुल लेवल कर लूँगी, और लेवल करने के बाद मैं इसको शीट से कवर कर दूँगी और मैं इसको फ्रीज़र में 8 घंटे तक के लिए रख दूँगी। ये अब मैं इसको इस तरह से कवर कर दूँगी और कवर करके मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। अभी जो आइसक्रीम है ये मैंने 8 घंटे से रखी हुई थी फ्रीज़र में, और अब मैं इसको, ये देखें, ये मैंगो आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हो गई है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखिए ये कितनी क्रीमी बनी है। ये देखें, ये चेक कीजिए ज़रा, ये कितनी क्रीमी बनी है ये। ये देखिए, ये देखिए, मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए ज़रा, ये देखें कितनी क्लियर है, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, कितनी क्रीमी और कितनी मज़ेदार बनी है। आप भी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।